बीपीएससी के बाद बीएससी में पेपर लीक का मामला सर सामने आया, क्या लगता है? देखिए ये तो बिहार में होते रहता है, युवा बेरोजगार जो हैं बेरोजगार वो बेरोजगार ही रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। अविलंब इस पर एक्शन ले, जांच करें, कार्रवाई करें। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर आज प्रदेश कार्यालय भाजपा में स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बताया बिहार बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर यहां पहुंचे हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर बिहार सरकार में पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू से हमने बात की है, तो उनसे पूछा हमने कि बीएससी पेपर लीक का मामला सामने आया है, साथ ही नीतीश कुमार संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कुछ कहा है नीरज सिंह बबलू ने, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। नीतीश कुमार संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहिएगा सर? देखिए संकल्प यात्रा पे वो निकलते रहते थे, अभी भी निकल रहे हैं, अच्छी बात है, उनको निकलना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन हमारा आग्रह होगा कि सबसे पहले वो छपड़ा जाएं, जो लोग जहरीली शराब पी करके मरे हैं उनके घर जाएं, उनके उनसे मिलें, उनका हाल जानें और मुआवजा अवश्य दें, ये हमारा आग्रह रहेगा। बीपीएससी के बाद बीएससी में पेपर लीक का मामला सर सामने आया, क्या लगता है? देखिए ये तो बिहार में होते रहता है और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यही सब होगा, युवा बेरोजगार जो हैं बेरोजगार वो बेरोजगार ही रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। तो अविलंब इस पर एक्शन ले, जांच करें, कार्रवाई करें। तो संकल्प यात्रा के बाद पर नीरज सिंह बबलू ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि छपड़ा में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे पहले छपड़ा जाना चाहिए, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनका यह संकल्प यात्रा अधूरा माना जाएगा, जहां भी जाएंगे लोग उनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है बिहार के लिए, शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। आपको बताएं नीरज सिंह बबलू ने बीएससी सचिवालय सहायक पेपर लीक के मामले को लेकर भी साफ शब्दों में कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इनके तंत्र में जो बैठे अफसर हैं वही इस पेपर लीक में संलिप्त रहे हैं। बीपीएससी के बाद बीएससी पेपर लीक को भी उन्होंने जो करार दिया, उन्होंने कहा कि ये जो है तंत्र की कमजोरी है, बैठे जो अधिकारी हैं वो मनमानी करते हैं और सरकार को घेरते नजर आए। आपको बताएं खरमास के बाद ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जहरीली शराब से मरने वाले लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही कई जगहों पर जाकर राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे शराब बुरी चीज है, इसे नहीं पीना है। बताया आपको राज्य में 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया है, हर साल हजारों की संख्या में लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है और सरकार बड़ी रकम जो है शराबबंदी को सफल कराने में जुटी है, इसके बावजूद राज्य में जहरीली शराब से मौत हो रही है। तो इस पर बीजेपी के नेता नीरज सिंह बबलू ने साफ शब्दों में नीतीश कुमार पर पलटवार किया और कहा है कि उन्हें छपरा जाकर उन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करनी चाहिए, उन्हें मुआवजा देना चाहिए। बिहार की राजनीति से जुड़ी खबरें हम आपको द बिहार टॉप पे दिखाते हैं, आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।